क्यूबॉइड, ये सॉलिड फिगर है, ए सॉलिड फिगर विच इज मेड अप ऑफ सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। इसमें ये जो क्यूबॉइड है इसमें सिक्स रेक्टेंगुलर फेस है, इसमें यहां ए बी सी डी अगर इसे नीचे का फेस माने तो फिर इसके अपोजिट ऊपर में ई एफ जी एच दो फेस हो गया। उसके बाद ये लेटरल इधर जो है ये तीसरा है बी सी जी एच इधर हो गया, फिर इधर ए डी एच ई इधर हो गया, ये चौथा हो गया, फिर यहां से डी सी जी एच ये वाला, तो इसका फिर यहां है ए बी एफ ई यानी कि सिक्स हो गया ना। तो छह आयताकार सतहों से बने आकृति को हम क्यूबॉइड, इसको हिंदी में घनाभ कहते हैं, ये है। तो ये इसमें ये जो क्यूबॉइड है एक एग्जांपल लेते हैं, यहां हम एक बुक, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइडल है, इसमें इसके फेसेस को हम काउंट करते हैं, ये ऊपर वाला अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि ये भी रेक्टेंगल है, वन रेक्टेंगल, तो इधर है तो इधर भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है, इधर भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी नीचे वाला भी रेक्टेंगल, यानी कि सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस इसमें है। अब इसमें और देखते हैं, अब ये जो है एजेस, एज जो इसमें कितना है किनारा, तो यहां देखते हैं जहां जहां दो रेक्टेंगल मिलता है मीटिंग पॉइंट है ये मीटिंग, तो वहां एक एज बनता है, जिससे यहां बना फिर यहां नीचे बना फिर यहां से ऊपर बना फिर यहां बना फिर ये भी एक रेक्टेंगल ये भी रेक्टेंगल दोनों मिला है, यहां यहां है फिर यहां है फिर यहां है, टोटल 12 एजेस है। इसको हम काउंट कर लेते हैं याद करके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इधर आएंगे, एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व हो गया, यानी कि 12 एजेस है इसमें। अब यहां पर हमने फेसेस का नाम भी दिया है, इसको लिख दिया है कि अगर इस तरह से हम लिख लें क्यूबॉइड को ए बी सी डी, हाँ एक बात और, ये सॉलिड फिगर है, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होते हैं, थ्री डायमेंशन का मतलब उसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हाँ फिर ये जो रेक्टेंगल रेक्टेंगल जो बना रेक्टेंगल टू डायमेंशनल था, सिर्फ लेंथ ब्रेथ था उसमें, इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट भी होता है। तो यहां पर फेसेस लिखे ए बी सी डी, ए बी सी डी के बारे में पहले भी मैंने बताया था, एक फेस है एक रेक्टेंगल है, ये वन रेक्टेंगल फिर रेक्टेंगल 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये उसका जो है टोटल फेसेस है। फिर लेटरल फेसेस क्या कहते हैं, लेटरल मतलब ये बात ये बोल, जिससे अगर हम यहां पर है इधर लेटरल हो गया, इधर लेटरल हो गया, इधर आगे पीछे, इसको हम लेटरल कहते हैं, कि टॉप बॉटम को छोड़ करके लेफ्ट राइट फ्रंट बैक इस चार को वन टू थ्री फोर या इधर से आगे पीछे बायां दायां, इसको हम लेटरल कहते हैं, ये जो बाजू वाला है ना इसको लेटरल कहते हैं। तो लेटरल फेसेस जो है इसमें अगर इस तरह से हम रखते हैं ये ठीक है, या तो रूम ले सबसे बेहतर है, या ये पहले एग्जांपल है, ये नीचे का ये रेक्टेंगल है इसको दो को छांट देंगे तो चार कौन बचेगा, छह को रेक्टेंगल से तो उसमें से ऊपर वाला नीचे का को छांट देंगे तो कौन बचेगा, इधर का बचेगा, इधर का बचेगा, इधर का बचेगा, इधर का बचेगा, यानी कि दोनों अपोजिट होगा। जैसे रूम है, ये हम रूम में है, रूम में खड़े हैं, यदि ऊपर वाले सीलिंग को छत को अगर हम छोड़ दें, ये जो फर्श है फ्लोर ये नीचे में इसको अगर हम छोड़ दें, ऊपर नीचे को टॉप एंड बॉटम को इग्नोर करें, तो क्या बचेगा हमको इस साइड के वाले, तो इस साइड जो है सेम इसके अपोजिट इसी सेम मेजरमेंट का जो रेक्टेंगल होगा इस साइड होगा, इधर है तो इधर होगा, दो गण की जोड़ा होता इधर है तो इधर होगा, जोड़ा लगे दो दो चार। अब देखते ये लेटरल फेसेस भी हो गया, एजेस अभी हमने बताया था इसके कितने किनारा,
तो फिर वर्टिसेस, वर्टिसेस जो है ये जो वर्टिस ये ए बी सी डी ये वर्टिसेस। अब इसमें डायगनल टू डायगनल्स होता है। अगर रूम में लिए, अगर उधर से नीचे लेते हैं, अगर यहाँ ऊपर लिए, यहाँ एक वो नीचे लिए तो एक डायगनल हो गया, फिर यहाँ का नीचे लेंगे तो उधर ऊपर ले लेंगे, टू डायगनल्स हो गया। फिर उस कोना में नीचे का लेंगे तो उधर ऊपर लेंगे, थ्री हो गया, उधर का नीचे लेंगे इधर ऊपर का लेंगे, कितना हो गया फोर। तो इसमें फोर डायगनल्स होता है, क्यूबॉइड में चार डायगनल्स होता है। और इसमें हमने लिखा नहीं डायगनल्स, क्योंकि डायगनल्स का अगर फिगर भी नहीं बनाया, अन्यथा इसको हम दिखा शो कर देते। अब यहाँ इसका जो, क्योंकि मैंने ये हमने मेंसुरेशन के लिए ये लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबिक यूनिट हमने लिखा है, सब में लिखा है। क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसको क्यूबिक यूनिट, चाहे वो मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो कि मिलीमीटर क्यूब हो, तो इसको ये सी यू है, ये क्यूबिक यूनिट है। तो डायगनल ऑफ द क्यूबॉइड रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका जो निकलेगा तो जितना होगा उतना यूनिट होगा, मीटर में हो या फीट में हो या सेंटीमीटर में हो। अब ये टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ये क्या, टू इंटू एल प्लस बी एच प्लस एल एच, ये स्क्वायर यूनिट हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया, तो हमने कहा था लेटरल सरफेस एरिया में क्या है कि दो टॉप और बॉटम का छंट जाता, दोनों का एरिया को छंट देंगे, हटा देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो फिर हमको यही आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, या एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम। जब कभी भी कहता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ ए रूम, इसका मतलब होता है कि वो लेटरल सरफेस एरिया मांग रहा है टॉप को बॉटम को छोड़ करके। तो यहां तक की बात है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि डायगनल, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ये कैसे निकालते हैं, ये कैसे डायगनल्स ऑफ द क्यूबॉइड जो आता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम यहां पर ये फिर से इसको इस सब इरेज करके हम बनाते हैं, इसको प्रूफ करते हैं।